हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कंप्रेस कर सकते हैं इमेजेस को, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के, अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर सिस्टम से। मैं आपको कंप्यूटर से करके बताऊंगा, मोबाइल से भी प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप अपना ब्राउज़र ओपन करिए एंड टाइप करिए कंप्रेस इमेज, देन फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए। आप यहाँ से JPG, PNG, PDF, SVG एंड GIF फॉर्मेट के इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं। आप अपनी इमेज फाइल को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप अपलोड पे क्लिक करिए एंड जिस इमेज को आपको कंप्रेस करना है उसे सिलेक्ट करिए, देन ओपन पे क्लिक करिए। थोड़ी ही देर में हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी एंड वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस्ड भी हो जाएगी। देन आप सेटिंग्स पे क्लिक करिए एंड स्क्रॉल डाउन करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ओरिजिनल इमेज 2.9 MB की है एंड जो कंप्रेस्ड इमेज है वो 1.8 MB की है। अगर आपको इमेज को और कंप्रेस करना है तो आप स्लाइडर को और नीचे करिए। जैसे मैंने इसे 50 पे सेट किया, ये ऑटोमेटिकली कंप्रेस्ड होके 600 KB का हो चुका है। अगर आपको इमेज को फुली कंप्रेस करना है तो आप स्लाइडर को पूरा नीचे लेके जाइए। अब हमारे इमेज का साइज अप्रॉक्स 100 KB हो चुका है। अब आप अप्लाई पे क्लिक करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे 2.9 MB के इमेज का साइज कंप्रेस्ड होके 93 KB हो चुका है। अब आप स्क्रॉल अप करके डाउनलोड पे क्लिक करिए, देन सेव पे क्लिक करिए। आप डाउनलोड पे क्लिक करिए, देन शो इन फोल्डर पे क्लिक करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो इमेजेस हैं, एक ओरिजिनल इमेज एंड एक कंप्रेस्ड इमेज। आप यहां से साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हैं कंप्रेस्ड एंड ओरिजिनल इमेज का। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन कमेंट बिलो।